आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। वसई विरार शहर नगर निगम के एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के पालघर में एक फिल्म स्टूडियो में आग लगी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग मुंबई के बाहरी इलाके वसई में कामन स्थित भजनलाल स्टूडियो में शुक्रवार आधी रात के समय लगी। उन्होंने बताया कि यह स्टूडियो पिछले साल अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत के बाद चर्चा में आया था। 24 दिसंबर को वॉशरूम में लटकी मिली थी अभिनेत्री। वसई विरार शहर नगर निगम के एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के करीब 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि आग भजनलाल स्टूडियो में लगी, जहां पिछले साल 24 दिसंबर को अभिनेत्री तुनिशा शर्मा उम्र 21 वर्ष टीवी शो अली बाबा दास्तान एक काबुल के सेट पर एक वॉशरूम में लटकी मिली थी। कलाकार को जमानत पर कर दिया गया था रिहा। गौरतलब है कि अभिनेत्री की मौत के बाद उनके साथी कलाकार और पूर्व प्रेमी सीजान खान उम्र 28 वर्ष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे 5 मार्च को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अभिनेता को उसका पासपोर्ट लौटाते हुए उसे विदेश जाने की भी इजाजत दे दी है। ऐसा कोर्ट ने अभिनेता की प्रोफेशनल जिंदगी को देखते हुए किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि सीजान खान खतरों के खिलाड़ी शो का हिस्सा बनने वाले हैं। सीजान खान खतरों के खिलाड़ी के आने वाले सीजन में दिखाई देंगे। वो जल्द ही इस शो की शूटिंग के लिए विदेश रवाना होंगे।